नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है चंडीगढ़ से, जहां कोर्ट परिसर में मर्डर हो गया है। कोर्ट परिसर में पूर्व AIG ने गोली चलाई। AIG जो पूर्व AIG है, मलविंदर सिंधु पर गोली चलाने का आरोप है। अपने दामाद पर ही पूर्व AIG ने फायरिंग की। मरने वाला दामाद कृषि विभाग में IRS था। शादी विवाद में कोर्ट में ये दोनों पक्ष आए थे और उसके बाद पूर्व AIG मलविंदर सिद्धू ने अपने ही दामाद पर, जो IRS था, उस पर गोली चला दी। अब दामाद की मौत हो गई है। सचिन जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। ये मामला कोर्ट परिसर के अंदर ही हुआ है और क्या विवाद चल रहा था ये जरा बताइए। जी देखिए, ये दरअसल एक शादी का डिस्प्यूट था जिसमें फैमिली कोर्ट में ये मामला जो है चल रहा था, जिसको लेकर आज मीडिएशन थी अदालत में, कोर्ट में जो है, तो वहाँ दोनों पक्ष थे और दोनों पक्ष दरअसल थोड़ी देर के लिए मलविंदर सिद्धू और दामाद जो हैं वो बाहर निकलते हैं और उसी दौरान मलविंदर सिद्धू ने अपने दामाद पर जो है वो फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई, 2 गोलियां दामाद को लगती हैं जिससे उनकी अस्पताल ले जाते वक्त जो है मौत हो जाती है। पर ये जो इंसिडेंट है ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सारी सिक्योरिटी इंतजाम के ऊपर कि आखिरकार कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई शख्स कैसे हथियार लेके जा सकता है। बड़ी टाइट सिक्योरिटी है चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की। मैं आपको बता दूं, एक एक शख्स की चेकिंग होती है, वहाँ मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं, मेटल डिटेक्टर्स से चेक करके ही किसी भी शख्स को जो है आगे भेजा जाता है। तो हथियारों के साथ कोई कैसे, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर की ये घटना है और उसमें वकील भी नज़र आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और वो मलविंदर सिद्धू, गोलियां चलाने के बाद मलविंदर सिद्धू को कुछ एक वकीलों ने और कुछ एक लोगों ने जो है कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद मलविंदर सिद्धू है और उसके बाहर एक महिला भी नज़र आ रही है जिसके हाथ में पिस्तौल है। तो मलविंदर सिद्धू कमरे के अंदर है, चंडीगढ़ पुलिस को जो है वो इत्तला दे दी जाती है। कोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो भी वहाँ थी और एक महिला जो है, जो संभवतः सिक्योरिटी की महिला जो है वो लग रही हैं, जो सिक्योरिटी में जो डिप्यूट होते हैं, वो महिला वहाँ पिस्तौल के साथ जो है मलविंदर सिद्धू जब कमरे के अंदर है उसको जो है बुला रही थी, उसको बोल रही थी और पुलिस का इंतज़ार किया जा रहा था। वहाँ इंतज़ार किया जा रहा था कि अब मलविंदर सिद्धू को जो है बाहर जो है निकाला जाएगा, क्योंकि उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जब उसने गोलियां चलाई उसके बाद। पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई शख्स हथियार लेकर कैसे घुस सकता है उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जिसमें जिसकी सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट है, मेटल डिटेक्टर्स हैं, एक एक चीज़ जो है स्क्रीन होके जाती है। हम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाते हैं वहाँ तो बाकायदा जो डिटेक्टर्स हैं, एक एक बैग जो है, शख्स को चेक किया जाता है, हर आदमी को चेक किया जाता है, फ्रिस्किंग होती है, तब कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री जो है दी जाती है। जी, ये काफ़ी अहम जानकारी, आप इस पर नज़र बना के रखिए। अपडेट जो होगा दर्शकों को हम बताते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर ये कि शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज कह दिया। उद्धव ठाकरे आगे कहें, ये बोल रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अब हिंदुत्व सिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे यहां नहीं रुके, वो आगे बढ़े। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली ही कहेंगे और वो इसके लिए किसी से नहीं डरते। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए सत्ता जिहाद शुरू किया है। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। उद्धव ठाकरे, उन्होंने अमित शाह को ये कहा है कि वो अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। वो बयान मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। कांग्रेस कड़े हिसाब मांगता है, 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। अरे तुम्ही 12 महिने जे संसद भवन बांधले ते गलते, त्याचा हिशोब पहिला द्या आणि मग आमच्याकडे 70 वर्षाचा हिशोब मांडा मांगा।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जो पुणे की सभा में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए, बारिश में संसद की छत टपकने पर भी उनको घेरा। उद्धव ने कहा कि मोदी जी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि अपने 70 साल में क्या किया, पहले आप बताओ कि 12 महीने में क्या किया, संसद की छत टपकने लगी फिर 70 साल का हिसाब मांगना। उद्धव ठाकरे का यह बयान, वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस को हमने आपको पहले सुना दिया। असल में उन्होंने जो पलटवार किया है, उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे का हार के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि पहले जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर वार किया, दो दो हमले कर दिए एक साथ, एक बार तो अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली के वंशज बता दिया और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं, आप पहले ये बताइए कि संसद की छत क्यों टपक रही है, उसके बाद हिसाब मांगना, वो हमने आपको बताया था। उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने कहा कि उनका जो मानसिक संतुलन है हार के बाद खराब हो गया है। एक बार मैं फिर आपको सुनाने जा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को क्या कहा था। मोदी जी कांग्रेस कड़े हिसाब मांगता है, 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, अरे तुम्ही 12 महिने जे संसद भवन बांधले ते गलते, त्याचा हिशोब पहिला द्या आणि मग आमच्याकडे 70 वर्षाचा हिशोब मांडा मांगा। और अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पर मैं समझाने जा रहा हूं कि आखिरकार आज जो ये विवादित बयान है ये कब दिया गया, क्या बोला गया, वो समझिए जरा। अहमद शाह अब्दाली के शाह राजनीतिक वंशज है, ये कहा उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को, शाह को मैं अहमद शाह अब्दाली ही कहूंगा। उसके बाद इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने ये बात सभा में कही थी, अमित शाह मुझे नकली संतान कहते हैं, ये बात कही कि अमित शाह मुझे नकली संतान कहते हैं, इसलिए मैं उनको अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज कहूंगा। ये कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे जो थे वो बोल रहे थे। आगे कहा कि मुझे औरंगजेब फैन क्लब का हिस्सा बताते हैं ये, इसलिए मैं भी इन पर अब तंज कसूंगा और ये बात कहूंगा, मैं भी डरता नहीं हूं, अब से शाह को अब्दाली ही कहूंगा। ये हम आपको बता रहे हैं उद्धव ठाकरे ने जो अमित शाह को बोला है। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या, ये सवाल भी पूछा है। तो ये एक बड़ी अपडेट और ये भी कहा कि बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। तो आज उद्धव ठाकरे कार्यक्रम में थे और ये बात उन्होंने कही। सूरज ओझा ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलता हूं। सूरज, ये परंपरा हो गई है या न्यू नॉर्मल हो गया है, जुबान अब हर नेता की चाहे किसी भी पार्टी की हो कुछ भी बोलते हैं और एक दूसरे को तो ये कहें कि अब गालियां भी देने लगे हैं, बस थोड़ा सा ढक लेते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं, गिरती हुई नैतिकता नेताओं की। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, इसे लेकर अब हर पार्टी एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए उद्धव ठाकरे का भाषण हमने जिस तरह से सुना, उन्होंने अपनी पूरी भड़ास मानो निकाल ली है, क्योंकि उसी पुणे में जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैंस क्लब का मेम्बर बताया था, जिसके बाद अब उसका पलटवार करते हुए पुणे की जनता के सामने ही उन्होंने कहा कि अब मैं इन्हें अब्दाली कहूँगा, उनकी राजनीतिक वंशज कहूँगा, अब मैं किसी से डरता नहीं। तो जिस तरह का उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से ताकत लगाकर पलटवार किया, उसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो नागपुर में थे, उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हार रहे हैं, वो सत्ता से दूर हैं, इसलिए बौखला गए हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। साथ ही कहा कि ये सब सुनने के बाद अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे ये औरंगजेब फैंस क्लब के ही सदस्य हैं। तो लगातार दोनों ही पार्टियाँ एक दूसरे पर ताकत लगाकर तंज कस रही हैं और अपने अपने हिंदुत्व को बड़ा बताने की कोशिश कर रही हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जिस सरकार जो सरकार बार बार ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, वो छोड़ो, एक साल पहले संसद बना वो उसमें लीक, अयोध्या में लीक, उसके बाद पेपर में लीक, और ये सरकार लीक सरकार है। तो लीक सरकार वाला एक राइमिंग वर्ड लेकर उन्होंने जनता के सामने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की। वहीं पर जिस तरह से कई ऐसे मामले आते हैं ना जिहाद को लेकर, उसी तरह से एक जो उद्धव ठाकरे ने शब्द इजाद किया सत्ता जिहाद, उन्होंने कहा कि
बीजेपी सत्ता जिहाद करती है जिसमें आदमी खरीदे जाते हैं, आदमी तोड़े जाते हैं, और ये सरकार नहीं सत्ता सत्ता की जिहाद है। तो इस तरह से तंज उन्होंने एक के बाद एक नए नए शब्दों को का इस्तेमाल कर तंज कसा, जिसके बाद फिर बीजेपी से इसका रिप्लाई आया और फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सत्ता से दूर है इसका असर इनके दिमाग पर हुआ है, जिसके चलते वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये सारी बातें सुनकर ऐसा ही लगता है कि ये औरंगजेब फैंस क्लब के मेंबर हैं। जी, तो कुल मिलाकर अभी इसको ये समझा जाए कि चुनाव नज़दीक हैं, उसी की वजह से वार पलटवार सामने आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने ये तो क्लियर कर दिया है कम से कम इस बयान के बाद। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होती है कि अब वो कभी भी बीजेपी के साथ किसी हालत में नहीं जा रहे हैं। सूरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने आपने इन शब्द ये जो शब्द कहा अनियमितताओं का खेल है, तो जाहिर सी बात है कि हमने कई राज्यों में देखा कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो डंके की चोट पर कहा करते थे कि हम इस पक्ष के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों साथ में एक मंच साझा करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो माहौल जो दिखाई दे रहा है, दोनों के शब्द एक दूसरे के लिए जिस तरह से कड़क भाषा में एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल की जो स्थिति है वो एक दूसरे के सामने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए दिखाना चाहते हैं। ठीक है सूरज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाढ़ बारिश ने जो तबाही मचा रखी है कई राज्यों में उसकी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने से तबाही मच गई है। सोनप्रयाग में बादल फटने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, लोग आने जाने के लिए कठिन रास्तों पर रस्सी का सहारा ले रहे हैं, लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी त्रासदी आई हुई है उत्तराखंड में, और यहाँ पर बादल फटने के बाद हालात बड़े गंभीर हो गए हैं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं बादल फटने से जो तबाही आई है, और ये जो लैंडस्लाइड होने की वजह से जो पहाड़ दरके हैं गिरे हैं उसके जो मलबे हैं उन्होंने रास्ते को बंद कर दिया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू में टीम NDRF की जुटी हुई है, जिंदगी में रस्सी का सहारा कैसे लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो टीम है वो लगातार लगी हुई है, हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अब उसी पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की केदार घाटी में जो त्रासदी हुई है उसकी तस्वीर अब हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उस हेलीकॉप्टर में हम लोग सवार हैं जिस हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त सोनप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं, उन्हीं हेलीपैड पर तमाम लोगों को ऊपर से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी घाटी केदार घाटी है, केदारनाथ इसी रास्ते से जाया करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो हाईवे है वो आपको जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से टूटा हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP न्यूज़ पर, ऊपर से एरियल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सोनप्रयाग का हिस्सा है ये गौरीकुंड से पूरी तरह से कट गया है। गौरीकुंड वो जगह जहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, गौरीकुंड तक भी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है। ये वजह है कि गौरीकुंड से भी लोगों को एक एक कर पैदल मार्ग से NDRF SDRF की मदद से या फिर इस हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है। करीबन 6 हेलीकॉप्टर जो हैं वो लगाए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, और ये वही जगह, ये सोनप्रयाग की वो जगह जहाँ पर से आगे जाना बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ से आगे की स्थिति बहुत भयानक है, जगह जगह पर मलबा पत्थर आया हुआ है, हाईवे पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, और अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर जो है वो केदार घाटी की तरफ बढ़ रहा है। ये हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में कि इस वक्त ये बहुत दुर्गम घाटी मानी जाती है, और अक्सर जब यहाँ पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएँ होती हैं तो उसकी वजह से काफ़ी
आपदा इस पूरे इलाके को झेलनी पड़ती है और कुछ ऐसा ही इस बार हुआ है। बादल फटने के बाद से पूरा का पूरा इलाका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और ये आप जो रास्ते देख रहे हैं ये वैकल्पिक रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग था वो पूरी तरह से कट चुका है और अब इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम आपको बेहद करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको गुजरात के डांग की तस्वीर दिखाते हैं जहां बाढ़ आने के बाद अंबिका नदी में एक ट्रक फंस गया। वो तस्वीर देख लीजिए, गुजरात के डांग की ये तस्वीर है। यहां पर बाढ़ आई हुई है और उसके आने के बाद अंबिका नदी में ये ट्रक फंस गया है। अब ये ट्रक देखिए कितना खतरनाक है। ड्राइवर, अगर थोड़ा सा भी पानी था तो ड्राइवर ने रिस्क लिया होगा क्योंकि बीच में शायद ड्राइवर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, हैवी ड्राइवर बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कितना ख़तरनाक है, कितना डरावना है, आखिर इसमें जान जा सकती थी। हालांकि जान जाने की कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन ये जो ट्रक बीच नदी में फंस गया है अंबिका नदी में, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपके रास्ते में भी अगर कोई ऐसी नदी या जल स्रोत पड़ता है तो आप उसे पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जल स्रोतों में कब कितना तेज़ पानी आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आजकल जो मौसम ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से पानी का स्तर कभी भी कितना भी ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इसे हमें बचने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।